Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. I really hope you all are doing extremely well. आज मंडे है और अभी से आज का मैं व्लॉग शुरू करती हूँ. ये एक वीकली व्लॉग है, सो आप सभी का स्वागत है मेरे वीकली व्लॉग में. और आज का जो वेदर है ना गाइज, एकदम क्लाउडी है. लाइक आज का टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर सिर्फ 24 डिग्री. यस, बट अभी तक बारिश तो नहीं हुई, बट एकदम क्लाउडी वेदर है. एकदम विंटर जैसा फील होगा आप लोगों को. मैं थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ कैसा लग रहा है. हाँ, मतलब सुबह से ही आज लग रहा है कि शाम के 6 बज गए 6:30 बज गए ऐसा हालत है. बट ठीक है यार, अच्छा लगता है कभी कभार ऐसा वेदर भी. एनीवेज शुरू करते हैं आज का वीडियो. आशा करते हो आप लोगों को अच्छा लगेगा. तो सन लाइक दिखा ही नहीं हमको, एकदम विंटर जैसा हालत हो गया. और हाँ, पता नहीं लास्ट कुछ दिनों से मेरे साथ क्या हो रहा है. एक्चुअली मेरा आवाज सुन के पता चल ही गया होगा आप लोगों को कि मुझे बहुत ज्यादा मेरा थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था एंड उससे काफी हाई फीवर आया था वेडनेसडे से. तो वो काफी दिनों तक चला. अभी तक मैं पूरी तरीके से ठीक भी नहीं हुई आंखों में, पता है राइट आई में. कल से एक्चुअली संडे था ना, संडे सुबह से ऐसा हालत हो गया है जैसे कि कंजंक्टिवाइटिस जैसा मुझे तो लग रहा है. आप लोगों को पता नहीं कैमरा में इतना दिख रहा है कि नहीं, बट कल रात को मतलब खतरनाक स्वेल हो गया था. रात को, कल पूरी रात में सो नहीं पाई थी, इतना पेन हो रहा था, स्वेलिंग बहुत बढ़ गया था, कंटिन्यूसली पानी निकल रहा था, तो मेरा हालत खराब था. तो कल फुल नाइट में जागी हूँ. लिटरली मैं आज सुबह 6:30 को सोई हूँ और फिर जल्दी 2-3 घंटे में उठ भी गई. फिर उठने के बाद थोड़ा बहुत स्वेलिंग एंड पेन कम हुआ है. वाटर जो निकल रहा था वो भी कल रात से तो थोड़ा कम. मना नहीं सकती, ऐसा नहीं है. वीडियो एडिटिंग का बहुत सारा काम था, वो सब किया, वीडियो अपलोड किया, पब्लिश कर दिया. अभी 4 PM हो गया, अभी मैं लंच ले रही हूँ, खा रही हूँ. बहुत ज़्यादा भूख लग गई है. एक्चुअली ऊपर से थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है ना, मन भी नहीं हुआ यार इतने सारे काम के साथ साथ ये भी करो, तो आज थोड़ा लाइट पे रखा है. तो अभी चलिए फटाफट मैं खा लेती हूँ. मेरा लंच आ गया है यहाँ पे. आज मैंने कैंटोनीज नूडल्स मंगवाया है जो मिक्स करके इसको खाना होता है, और साथ में मैंने थोड़ा सा चिकन मंचूरियन मंगवाया है. सो ये रहा मेरा आज का यमी यमी सा लंच. देखिए गाइस, फाइनली बारिश भी शुरू हो गई है. हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग. सो मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों से फिर से मिल रही हूँ. मंडे को लास्ट व्लॉग किया था और आज थर्सडे हो गया है. मेरा वॉइस सुन के आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि अभी तक मेरा थ्रोट जो है वो ठीक नहीं हुआ. वैसे बीच में फीवर तो नहीं आया, बट थ्रोट का कंडीशन बहुत ख़राब है. एंड लास्ट टाइम जो मैं बोल रही थी कि मुझे कंजंक्टिवाइटिस हुआ था, तो यस वो भी हुआ था. तो उसके लिए थोड़ा बहुत आई ड्रॉप वगैरह लगाए तो ठीक हो गया. अभी तो बेटर हूँ, तो सोचा चलो आप लोगों से बात करती हूँ. आज थर्सडे है और अभी मैं बस ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद बस आप लोगों से फिर से. ये रहा मेरा आज का ब्रेकफास्ट. सिंपल सा मैंने ब्रेड ऑमलेट बना लिया. ऐसा एक साथ ब्रेड और ऑमलेट, ब्रेड और एग को ऐसे जस्ट फ्राई जस्ट टाइप जैसा करते हैं ना, वैसा कर लिए. गुड इवनिंग एवरीवन. अभी ऑलमोस्ट 6 PM हो गया है. हितेश जस्ट अभी ऑफिस से घर पे आए, तो मैंने उनके लिए थोड़ा सा कुछ नाश्ता बना के दिया. थोड़ी देर पहले भी एक्चुअली बारिश हुई थी कभी काफ़ी ज़्यादा. वो आज मैं एक स्पेशल डिनर बनाने जा रही हूँ, वो भी हस्बैंड के डिमांड पे. वो है आलू पराठा. मैं आप लोग के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी. आलू पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आलू का स्टफिंग बनाना है. यहाँ पे मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू को माइक्रोवेव में ही बॉईल कर लिया है,
और इसके बाद मैंने इसमें फाइनली चॉप किया हुआ अनियन, कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिली ऐड किया है। इसके अलावा इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर सब कुछ मिक्स करके अच्छे से इसको मैश करके अलग से रख दिया है। अभी डो भी रेडी कर लिया है। आटे का भी डो बना सकते हैं आप लोग या मैदे का भी बना सकते हैं। मैं जनरली आटे का बनाती हूँ बट आज मैं थोड़ा सा मैदा भी इसमें ऐड किया है। अभी जैसे आलू पराठा का स्टफिंग पराठे के अंदर डालना होता है बिल्कुल वैसे डालिए। उसके लिए मैं क्या ही अभी बताओ रेसिपी, बस इतना ही बोलूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके आलू का स्टफिंग डालिए, तब जाके इसका ये काफ़ी हद तक टेस्टी लगता है। एंड हाँ, मैं यहाँ ये आलू पराठा को घी में फ्राई करूँगी। अगेन नेक्स्ट डे हो गया है। आज मैं पहले से काफ़ी हद तक बेटर फील कर रही हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसलिए वीडियो करने में। अभी मैं बैठी हूँ एक वीडियो शूट करने के लिए, एक नहीं एक्चुअली कई सारे वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि नहीं आई डोंट नो, बट मैं बता दूँ कि अभी नायका हॉट पिंक सेल लाइव हो चुका है, क्योंकि आज 19th जुलाई है। 19 जुलाई टू 28th जुलाई तक ये सेल चलेगा। तो मैं जबकि नायका के पीआर के साथ काम करती हूँ इंस्टाग्राम के लिए, तो इसलिए मुझे जब ये सब क्या बोलते हैं सेल एंड ऑल आता है ना, तब काफ़ी प्रेशर रहता है, काफ़ी सारे वीडियोस बनाना पड़ता है, तो वो सारे वीडियोस शूट करने। हे गाइस, तो पहला शूट मेरा डन। अभी ये वाला शूट मैंने किया नायका का हॉट पिंक सेल के लिए। ये फुल फेस मेकअप लुक आप बोल सकते, फुल फेस मेकअप ट्यूटोरियल, इसको शूट करने में मुझे 3 घंटे लग गए। अभी 3 PM हो गया है, मैं 12 बजे से पहले शूट किया था वीडियो, अभी 3 PM से ज़्यादा हो गया है। तो ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी किया था जानबूझ के, ताकि लंच के लिए भूख ना लगे या फिर खाने का ज़रूरत ना पड़े। तो काफ़ी अच्छा एक्चुअली मेकअप लुक हुआ है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप लोग बताना मेरा ये लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो सब कुछ पिंक पिंक, ड्रेस भी पिंक, मेरा नेल पेंट भी पिंक, मेरा पूरा मेकअप लुक पिंक है। तो मैं सोचा इतना जब अच्छा एक लुक क्रिएट हो ही गया है, मेकअप लुक हो गया है, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा पिक्चर्स एंड ऑल क्लिक कर लूँ इस लुक के साथ। तो वही थोड़ा कर रही हूँ। एनी वेज, अभी नेक्स्ट शूट करते हैं। पूरा मेरा सेटअप करके मैं बैठी हूँ, सारे मेकअप प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पर ला के रखा है, बस अभी फटाफट तो उससे सारे शूट्स कर लेते हैं। हे गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है 6 PM। यस, मैं इतना लेट तक सारे वीडियो शूट करती रही, और यहाँ पे अभी एक्चुअली आप लोगों को दिख रहा है सब कुछ फैला के रखा है, क्योंकि इन सब का पिक्चर्स भी मुझे एक एक करके लेना है। तो वो मैं सोच रही हूँ रात को स्टूडियो लाइट में लूँ, वो अच्छा लुक आएगा। अभी जस्ट जाके मेरा सारा वीडियो शूटिंग ख़त्म हुआ, कुछ कुछ प्रोडक्ट के लाइक ब्रांड के वीडियोस थे वो सब किया, एंड कुछ वीडियोस ऐसे मैं अपने मतलब खुद से भी करती हूँ ना, कुछ कुछ ट्यूटोरियल वो किया। संडे आ गया है, पूरा वीक मैंने आप लोगों के साथ स्पेंड किया, ओह माय गॉड। और जबकि आज संडे है तो डेफिनेटली हम लोग किधर तो बाहर जाएंगे, बट आज किधर बहुत दूर जाने का मेरा मन तो नहीं हो रहा है, बट लेट्स सी। हम लोग लंच के लिए निकलेंगे सोच तो रही हूँ ऐसा ही। कुछ दिन पहले लाइक 1-2 हफ्ते पहले हम लोग गए थे IKEA फर्स्ट टाइम, और वहाँ से फनी चीज़ ये था कि हम लोगों ने कुछ भी शॉपिंग नहीं किया, कार्ट में डाला था बट स्टिल कुछ शॉपिंग नहीं किया था।
कुछ कुछ चीज़ें मुझे बहुत पसंद आया था जो मुझे लेना था, तो वो फाइनली मैंने ऑर्डर किया हुआ है। कब लास्ट वीक ही ऑर्डर किया है, तो आज एक्चुअली डिलीवरी मिल रहा है सब चीज़ों का। येस्टरडे कुछ पैकेज आया था, आज कुछ आया है, तो कुछ कुछ चीज़ें आया है और वो मैं सारे आप लोगों के साथ पहले शेयर कर लेती, उसके बाद ही निकलेंगे, थोड़ा थोड़ा करके शेयर कर। प्रोडक्ट का नाम दिया है, दे पाऊंगी कि नहीं पता नहीं, बट प्राइस मैं प्रोडक्ट को दिखाने के साथ साथ स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। आई होप आप लोगों को मेरा ये आईकिया शॉपिंग ब्लॉग अच्छा लगा होगा। चलिए फटाफट अभी रेडी होके निकलते हैं बाहर। इस वीडियो को अगर कोई भी रीजन से आप लोगों को अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर करना। नया अगर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। सो गाइज, मैं आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।